गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ क्लास का लेसन 10 करेंगे जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने में 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चांद के माता पिता को था और न ही यासुकी चांद के। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। न्योता मतलब बुलावा देना, निमंत्रण करना। तोतो चांद और यासुकी चांद दोनों मित्र थे। तमोए के हरेक बच्चा बाग में के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तमोए एक शहर है, वहाँ हर एक बच्चे का एक अलग अलग पेड़ होता है। तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहनोबोत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा मतलब 2 शाखाएं वाला द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी। आरामदेह मतलब आराम करने वाली। यह तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। अपने बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। निजी मतलब प्राइवेट, अपनी खुद की। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। यासुकी चांद को पोलियो था, पोलियोग्रस्त था मतलब पोलियो बीमारी थी उसको, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी को नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चांद ने माँ से कहा कि वह यासुकी चांद के घर डेनेनचोफू जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांद ने से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चांद स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चांद उसे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चांद ने तोतो चांद को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को शिथिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चांद उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिससे भेद किसी को भी न था। वह उल्लास के ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चांद भी हंसने लगा, उत्तेजित जोश में आकर ठिठियाकर खिलखिलाकर हंसना। तोतो चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। सीढ़ी मतलब ऊपर चढ़ने के होते, जो उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जैसे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया।
इस पर तो चांद नीचे उतर आई और याशो की चांद को पीछे से धकियाने लगी। धकियाना मतलब धक्का देना। पर तो चांद की छोटी और नाजुक सी इससे अधिक सहायता क्या करती। याशु की चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। याशु की चांद उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। याशु की चांद के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मतलब तीन पैरों वाली सीढ़ी मिली, उस जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। डगमगाना मतलब हिलेगी नहीं। याशु की चांद ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो चांद की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी नहीं पता न चला कि कितना समय याशु की चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान याशु की चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। धरने मतलब रखने में। अपने सिर से वह उसके पीछे हिस्से को भी स्थिर करती रही। याशु की चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे हुर्रे, खुशी से बोलते ना हुर्रे। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर याशु की चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। याशु की चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई। रुलाई मतलब रोने। उसने चाहा था कि याशु की चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए। कि वह चाहती थी कि पेड़ उसको याशु की चांद को अपने पेड़ पर बुलाकर वो नई नई चीजें दिखाएगी। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर याशु की चांद भी रो पड़ेगा। उसने याशु की चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उसे उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चांद द्वारा याशु की चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर याशु की चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी याशु की चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से याशु की चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर बैठे थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। याशु की चांद डाल के सहारे खड़ा था। डाल मतलब डालियों के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन याशु की चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है,
पेड़ पर चढ़ना, यीशु की चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न, यीशु की चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर पर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यीशु की चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, पर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यीशु की चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यीशु की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको लेसन अच्छे से रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर और कठिन शब्दों के अर्थ अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने और साथ ही लर्न करने हैं।